अब मैं नरवर के पुल पर आ चुका हूँ, जो कि जो दरगाह बनी हुई है यहाँ पर बाबा दूल्हा सैयद वली का जो मज़ार है। और मैं उस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ जो आप देख सकते हो कि सिंध नदी इसके 50 फुट ऊपर से बह रही थी, जो जो आखिरी मीनार दिख रही है, ये मीनार का कोई पता सरा नहीं था। और अब ज़रा हल्की हुई है, लेकिन ज़्यादा भी हल्की नहीं हुई है। तो पीछे देख सकते हो अभी भी नदी का बहाव तेज चल रहा है। जी आप यहाँ से देख सकते हो कि नदी का अभी भी बहाव तेज है, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया है। जो दरगाह का जो मकान है, जो उसको मैं अंदर से दिखाता हूँ आपके लिए, कि इसमें सब में पानी भर चुका है, पत्थर मत्थर सब निकल आए हैं। अब देखिए जो सामने वाला है, सामने वाले को जो पानी का तेज बहाव जहाँ से तोड़कर जो दरवाज़ा तोड़कर ताला डला हुआ था इस दरवाजे के अंदर, जो आप देख सकते हो कि ताला भी टूट चुका है और इसको तोड़कर पानी का बहाव वहाँ से सामने से निकला। तो इसमें भी काफ़ी चटक चुका है पूरी तरीके से चटक गया। लेकिन अब इसके बाद में ऐसी नदी आई तो फिर ये कुछ नहीं बचेगा। ये बस एक मजारी है जो बिल्कुल सेफ रखा है, इसमें कोई दरार भी नहीं आई है। कि चारों तरफ से आप देख सकते हो कि इसमें इस दरगाह पे कोई खरोंच भी नहीं आई है, इतनी नदी आने के बावजूद भी बस पानी अंदर भर गया था। मजार की जो चादरें मादरें थी सब गह चुकी हैं। और आप इसकी लोकेशन देख सकते हो कि पुल पीछे के तरीके से पूरा समाप्त हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है देखिए। और साइटों में से दोनों तरफ के पूरा पुल ख़त्म हो चुका है। और अभी भी नदी का बहाव बहुत तेज़ है, जो आप देख सकते हो। आज तीसरा दिन है सिंध नदी उफान पर है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अब कुदरत का खैर तरह थम सा गया है, लेकिन अभी भी डैमों में पानी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है। उन डैमों को खाली करा जा रहा है, मणिखेड़ा और मोहनी डैम। और इसकी मैं आपके लिए और जानकारी देता रहूँगा। इस वक्त मैं वीडियो अपनी यहीं समाप्त करता हूँ।